Assalamu alaikum everyone. Let's talk about conditional sentences. Conditional sentences are very important sentences. Everybody needs to understand. Har kisi ko aana chahiye. Conditional sentences mushkil bhi hain aur aasan bhi hain. Agar hum thodi si attention denge to hame samajh aa jayega. Thoda sa complicated hai lekin itna mushkil nahi hai. चलो आए समझते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे बनाया जाता है. मज़े की बात इसमें यह है कि मैंने उर्दू में सेंटेंस लिखे हैं और उर्दू में लिखे फिर मैंने अंग्रेज़ी की है. ठीक है, तो मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ. अगर मैं कराची जाऊँगा तो आपके लिए किताब लाऊँगा. अगर मैं कराची जाऊँगा तो आपके लिए किताब लाऊँगा. अच्छा, अभी मसला क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ भी विल लगाते हैं. यहाँ इफ़ आई विल गो टू कराची आई विल ब्रिंग अ बुक फॉर यू. यहाँ पे भी विल लगाते हैं और यहाँ पे भी विल लगाते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. क्या समझ लें, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट. क्लियर. इफ़ आई गो टू कराची आई विल ब्रिंग अ बुक फॉर यू. अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन जाऊंगा होगी. वैसे हम अगर उर्दू में नॉर्मली पढ़ते हैं तो अगर मैं जाता हूं तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो आपके लिए किताब लाऊंगा. इफ़ आई गो टू कराची. अच्छा, अगर इफ़ के बाद यहां पे ही होगा तो यहां पे गोज होगा, ये समझ लें. ठीक है, क्योंकि हमने आय रखा है तो आय के साथ गो होता है. इफ़ आई गो टू कराची ही और शी होगा तो यहाँ गोज आएगा. ठीक हो गया, लेकिन इसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में विल और शल आएगा, विल लगाएं या शल लगाएं तो ये सेंटेंस ऐसे होगा. अगर मैं कराची जाऊंगा तो आपके लिए, अगर मैं अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा. इफ़ यू कम टू मी आई विल टीच यू. इफ़ आई गो टू कॉलेज आई विल टीच द स्टूडेंट. इफ़ आई गो टू कॉलेज इफ़ माई फ्रेंड कम्स टू मी आई विल ऑफर हिम अ कप ऑफ टी. इफ़ माई फादर कॉल्स मी आई विल इमीडिएटली गो टू हिम. If I go to market, I will buy something for you. If my father gives me a gift of mobile, I will also give him some of the gifts. तो ये ऐसे होगा. ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है वो भी, लेकिन उसको उर्दू देखें आप. अगर मैं कराची जाता तो आपके लिए किताब लाता, मतलब मगर वो नहीं गया. तो अगर मैं कराची जाता, समझे, अगर मैं कराची जाता तो आपके लिए किताब लाता. अगर मैं कराची जाता तो आपके लिए किताब लाता. इफ़ आई वेंट टू कराची, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट सिंपल होगा. इफ़ आई वेंट टू कराची आई वुड, और ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वुड आएगा. समझे इसको, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आई वी यू दे सब के साथ वुड आएगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इफ़ आई वेंट टू कराची आई वुड बाय अ बुक फॉर यू. अगर मैं कराची जाता तो आपके लिए किताब लाता, इट मीन्स वो नहीं गया. ठीक हो गया, उसके बाद है तीसरा सेंटेंस. तीसरा सेंटेंस है, अगर मैं कराची गया होता, देखें जाऊंगा, जाता और गया होता, गया होता. इफ़ आई हेड आई वी यू सब के साथ यहाँ हेड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और यहाँ पे कामा आएगी. इस सब में जो है ना, यहाँ पे कामा आएगी, कामा के बाद सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा. इफ़ आई हेड गॉन टू कराची, अगर मैं कराची गया होता, आई वुड हैव बॉट अ बुक फॉर यू. यहाँ पे वुड हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. आई वुड हैव ब्रॉट अ बुक फॉर यू, मैं आपके लिए किताब लाया होता. ठीक ठीक है, समझ आ रही है आपको या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपको आ जाएगा. थोड़ी सी अटेंशन दें आप, रिपीटेडली आप इसी वीडियो को देख सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा, चौथा जो तरीका है कंडीशनल सेंटेंस का वो ये है आपका, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यहाँ पे आपका नाउन आएगा. इस सब में हमने वर्ब डाला है, देखिए यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, इन सब में हमने वर्ब डाला है. अगर आप नाउन डालते हैं, जैसे आप कहते हैं अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता. इफ़ आई वर, तो सब के साथ यहाँ पे वर आएगा और अ आर्टिकल देंगे. इफ़ आई वर अ डॉक्टर, इफ़ आई वर एन इंजीनियर, आई वुड, यहाँ पे वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई वुड हेल्प द पुअर.
तो ये था इसमें, अगर मैं डॉक्टर होता, यहाँ देखें यहाँ नाउन आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा, अगर मैं डॉक्टर होता। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस आज के लिए। स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, जैसे डिमांड करते हैं, क्योंकि टेंसेस पूरे किए हैं, उसके पैसिव रहते हैं, वो भी हम पूरे करेंगे। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जा रही हैं, आप ज़रूर जाएं, दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, आप कंजूस ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई देखें, मैं अगर वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ तो आप शेयर करने में मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। शेयर करें, दूसरों को बताएँ। इल्म फैलाने से सवाब का सवाब मिलता है, सवाब का काम है, इसको ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो इसको आप फैलाएँ, दूसरों तक पहुँचाएँ, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, जितना हो सके इसको ज़्यादा फैलाएँ। ठीक है, तो ये था कंडीशनल सेंटेंसेस आज के लिए, आज के लिए सिर्फ यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।